दुआएं बड़ों को सलाम फिजा है। मेरा नाम तारों से होंगे हम कलाम शो है आपका अपना तारों से करे बातें। मेरी आज की पहली मेहमान पीटीआई की रुकने पंजाब असेंबली है। जितना वो देखने में प्यारी हैं उतना ही मीठा बोलती हैं। तशरीफ लाती है सानिया कामरान। सानिया कामरान जी आज हमारी मेहमान है। अच्छा, कामरान का मतलब है कामयाबी। हाँ। तो इन्होंने अपने नाम के साथ इसलिए लगाया ताकि जहाँ ये कदम रखे, जिस पार्टी में जाए, उधर कामयाबी ही कामयाबी हो जाए, है ना? और पीटीआई की कामयाबी तो पूरी दुनिया देख रही है। तो इतनी सारी कामयाबियाँ समेट के कैसा लग रहा होता है कभी कभी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने किसी नेक मकसद के लिए चुना होगा कि यहाँ तक हम आए हैं। अगर अल्लाह ताला का साथ रहा और आप लोगों की दुआएं रहीं तो आगे भी इंशाल्लाह जाएंगे। अभी तक हमें तो ना मकसद नजर आया ना कोई फायदा नजर आया पीटीआई का। टैक्स फ्री बजट 2020। वैसे पीटीआई जो है आगे जाने वाली बात कर रही है, ये बिल्कुल वही बात है जैसे सिग्नल पे कोई गाड़ी का शीशा खटखटा के मांगने के लिए आता है तो उसको कहते हैं ना, चल आगे जा आगे जा आगे जा। ये पीटीआई आवाम के साथ यही कर रही है। गल हुकूमतां दी होवे तैनूं मंगण दी पै जांदी। अरे साडा जो बिजनेस है मैं तो उसी की गल करेंगी ना। चलिए आइए बैठिए। नाज़िम, मेरे आज के दूसरे मेहमान एक ऐसे शायर हैं जिनके लिखे हुए गीत दुनिया के मशहूर सिंगर्स गा चुके हैं। तशरीफ लाते हैं SM सादिक साहब। क्या बात है, ऐसे ऐसे शेर बोल जाते हैं समझ ही नहीं आती। मुझे तो बिल्कुल आज तक नहीं समझ आई। तैनू ते अपने माँ प्यो दी नहीं आई, इन्हां दी कित्थों आनी आ। मैं भी एक शेर बोलना चाहती, मैं चाहती पूछूं जरा कि आपको मेरे शेर की भी समझ आई है या नहीं आई है। हरी हरी घास में मेरा इंतजार करना, अगर मैं ना आऊं तो बाबू से प्यार करना हो जाए। सजना दे विच वंडा पईआं, हुण ते जग नूं ठंडा पईआं, ते तुम्मे विचों जहर ना मुक्या, तुम्बे विचों जहर ना मुक्या, भावें सौ मन खंडा पईआं, ते साडी हार ते राजी सैं तूं, लाणियां जाण के कंडा पईआं, साडे भार तों भारियां सन जो चुकणियां ओह वी पंडा पईआं, ते हासले गज़ल शेरे के वक्त दे हाकम रोंदे वेखे वेले तों जद चंडा पईआं, मर गया तेरा सादिक सजना हुण ते तैनूं ठंडा पईआं। क्या खूब शेर कहा आपने, हुण ते तैनूं ठंडा पईआं, सानू ठंडा नहीं पईआ, साडे कोल सिर्फ है टिंडा पईआ। ये खाली टिंडा नहीं है, सुबह इनकी टिंडा पे चंडा पईआ। हो गई साडी गुड्डी बो, एनिया डोर नू गंडा पईआ। पीटीआई नू वोट देके सारी कौम नू ठंडा पईआ। आइए जी तशरीफ रखेंगे, आज तो आप सब पर जोर करेंगे लगता है, इंशाल्लाह। नाज़िम, मेरी तीसरी मेहमान एक बहुत ही प्यारी गुलकारा है, जो गाती है वो हिट हो जाता है। तशरीफ लाती है एनी जॉबी। ये गाना ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये गाना होना चाहिए था मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, इन बाबों से अल्लाह बचाए, इनकी मासूमियत पर ना जाना, इनकी हरकत को जाने जमाना। आंखें और दिल के काले, फिजा जैसों से अल्लाह बचाए, खाब झूठे दिखा के है लूटा, पीटीआई से अल्लाह बचाए। पहले तो यहाँ पे दूध की नदियां बह रही थी। आवाम दीवानी भी हो गई है, मस्तानी भी हो गई है, बीमार भी हो गई है, लाचार भी हो गई है, क्या कहेंगी अब आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सनसनी ज़रूर एक फैल जाती है और कुछ हमारे जो आई थिंक ओपोजिशन की तरफ से आवाम को बहकाने के लिए कुछ बयानात आते हैं जो परेशान कुन होते हैं, लेकिन हकीकत अगर आप ये देखें कि असेंबली के अंदर जिस तरह अभी हम लोगों ने जो 2020 का बजट आया है वो टैक्स फ्री बजट है, 1.7 बिलियन जो है वो औरतों की एम्पावरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, 20% फंड जो है वो आपका हेल्थ सेक्टर पे खर्च हो रहा है, COVID-19 के लिए स्पेशल फंड्स हमारे पास आ रहे हैं, और जो जिस तरीके से डॉलर को और सोने की कीमत और जिस तरह चीज़ें जो हैं सस्ती हो रही हैं इस वक्त,
उस पर अगर हम लोग गौर व फिक्र करें तो जो हकीकत है और जो टीवी पे आकर एक सनसनी फैलाई जा रही फर्क है। अगर सोना सस्ता होंडे पैण मेरी इसी मुल्क में जहाँ चाहो सो जाओ पेट्रोल आटे सोने का भाव दस है। जो भी हमारा बजट है या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास जो कुछ भी अभी है वो सिर्फ अवाम के लिए है, वो आप ही को मिल रहा है। कोई मेगा स्कैंडल यहाँ पे कोई करप्शन के केसेस नहीं आ रहे, फुल हर किसी पे एहतसाब हो रहा है। आपका जो नेसेसिटी ज़रूरियात ज़िंदगी है उस पर हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि आवाम को फैसिलिटेट कर सके, इतना रिलीफ दिया जा रहा है, टैक्स फ्री बजट आपका आया है, और आपको क्या चाहिए? भैन मेरी ये अभी तो तेन कुछ नहीं कहना, असि वो बंदा लभना जिन्होंने तुम्हें याद करा के भेजा। आपकी बात पे तो शेर याद आ गया। हाय बाबा तेन शेर याद आंदा है, तेन अपनी मौत नहीं याद आती? 9 साल का तू हो गया। ये बड़ा नैशे बड़ा चलाक जो तो मौत का फरिश्ता आंदा ना क्लीन शेव करके उदे सामने फिरदा रहंदा। खाली क्लीन शेव नहीं करके फिरदा, एनु पता चले ना मौत का फरिश्ता आया तो अपनी बुढ़ी का बुरका पा के फिरन लग पैंदा। सूरत हाल पे क्या शेर याद आ गया? सूरत हाल ओ तेनु शेर याद आ रहे, तेनु अपने बच्चे याद नहीं आ रहे? 20 सालों तो इत्थे ही बैठे है तू। बाग बाग की खैर हो खुश रहे सयाद भी। बागबान की खैर हो खुश रहे सयाद भी, जुल्म भी होता रहे होती रहे फरियाद भी। अरे बाबा बाबा ओ शेर सुनाया कर जिदे नाल आवे सवाद भी। ए तुम सादिक साहब आप बताइए। जी जी हमने सुना है कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, इतने ज्यादा गाने लिखे हैं, ये बात सच है? तकरीबन 40,000 से ज़्यादा। 40,000 से ज़्यादा गीत लिखे मैंने। 15 साल की मेरी एज थी, तलीम मेरी 4 क्लास है, तो फैसलाबाद का मैं रहने वाला था। 4 क्लास तालीम बस। 1975 को जनाब नुसरत फतेह खान की मैं सीढ़ियाँ चढ़ाऊँ तो वो सामने एक बड़े मंजे पे बैठे हुए थे, बहुत बड़ा मंजा था। अच्छा। जो लोग जानते हैं उनको पता है। हाँ। 15 साल की एज कितनी होती है आप सब जानते हैं। ऐसी है जी। तो वो मैंने उनके पास बैठ के पहला कलाम लिखा, उत्थे अमलां ते होंगे नबेड़े किसे नी तेरी जात पिछू। वाह वाह वाह। ये पूरी पूरे वर्ल्ड में ये कलाम हिट हुआ। क्या बात है। और ये बाद में फिल्म शहीद उधम सिंह में भगत सिंह पे भी इनको लिया गया। अरे वाह। उसके बाद था एक मेरा कलाम जदों का दुरुस गया साडे नाल ढोलना भुल गया कावां नूं बनेरे उत्ते बोलना, एक सी एवें बोलना बनेरे ते कावां सजना नहीं आ। अरे वाह। और उसके बाद फिर खान साहब के साथ मैं भी लाहौर आ गया तो यहाँ पे हमने इकट्ठे काम किया। तो फिर इंडिया में मेरे बहुत गाने तकरीबन हजारों के हिसाब से। कौन कौन से कुछ है? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। क्या बात है। ये एक रात में मैंने 100 गीत लिखे है, 100 के 100 सुपर हिट हुए। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, कर ना सके हम प्यार का सौदा, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे, तेरी गली विचों लंघेगा जनाजा जो मेरा, मैंने सोचा नहीं दे गया सुगातां सुख माही नाल लै गया, वो कहंदी है सैया मैं तेरियां, कर ना सके हम प्यार का सौदा। एक रात 100 गीत लिखे, 100 दे 100 हिट, 100 साल च एक गीत लिखे उथे भी रु चपेड़ा पै। ए जेड़ा ताड़ा गाना है ना सुख माही नाल ले गया। हाँ जी। ए साड़ी चाची ने बड़ा गाना गाया है, सानू दे गया तलाका दिया सौगातां ते बच्चे माही नाल ले गया। अच्छा और उसके अलावा जी बाली सगू मेरे पास आए थे तकरीबन 1994। अच्छा। तो उनको मैंने 50 गीत करके दिए 3 दिन में, और उनके गाने भी बहुत हिट हुए, जिनमें सरे फरिश शबनम जीत का गाना था दिल चीज है क्या जाना, ये जाम ही तुम्हारी। उसके अलावा बदर मियां दा जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में, फिरवाद अहमद का पहला गाना जो था वो भी मेरा ही था, वो कहंदी है सैया मैं तेरी। अरे क्या गाना था भाई वो, मैंने कभी किसी प्रोग्राम में नहीं बताया कि ये मेरे गाने हैं। पिछले दिनों मैंने राहत फतेह खान के और आरफ लोहार ने मेरा 800 गाना गाया है, अताउल्लाह इसा खेल भी किसी दा नहीं कोई इत्थे यार सारे झूठे ने, कल लोग तेरे नाल साडी जिंदगी नूं रोग लाण वाले आ, बेशुमार गीत हैं, वंगा चढ़ा लो कुड़ी ओनी मैं कमली यार दी कमली। तुहाडा इह गाना पीटीआई ते वी फिट आ रहा, करो किसी दा नहीं इत्थे कोई इक्तदार सारे झूठे ने, हुकूमतां दे कौल ते करार सारे झूठे। वेरी 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 इतबार करके वोट देता है ते हुण ठंड रखियो। वजीर इत्थे चीनी दा बाजार वेच दिंदे ने, पेट्रोल ते आटे दा व्यापार वेच दिंदे ने, करदे आवाम नूं खवार सारे झूठे ने, किसे दा नहीं कोई इत्थे इक्तदार सारे झूठे। थोड़ा ज्यादा हो रहा है, सच पुछो ये उम्मीदवार सारे झूठे।
एनी आप बताइए कि किस गुलकार से मुतासर होकर आपने गायकी शुरू की? वैसे तो इंस्पिरेशन होती है लोगों को किसी ना किसी की, बट मैं जब 7 साल की थी, जब से शौक था नाते पढ़ने का, मनकबते पढ़ने का, बस इसी तरह से सिलसिला शुरू हुआ। और जब प्रॉपरली बड़ी हुई तो एक प्लेटफॉर्म था हमारा आर्ट काउंसिल से, तो वहाँ से ही शुरू किया और अभी यहाँ तक जो काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में। अरे वाह, मैं भी ऐसे ही सिंगर बन गया हूँ, अल्लाह ने इतना बड़ा नाम दे दिया। वाह वाह। हाँ जी, ऐसे ही सिंगर बन गया, जिधर भी गाया है उधर ही पछताया। बाबे साडे ने अल्लाह दी रहमत नाल जिथे गाया ना उथों ही लम आया। सानू आवाजां लगदियां ने वंस मोर ते बाबे साडे नू आवाजां लगदियां ने नो मोर। वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तालों से करे बातें। सानिया जी, आपको कोई शायरी से लगाव है, म्यूजिक से कोई लगाव? सुनने का शौक है, राहत साहब का बहुत पसंद है, सूफियाना कलाम पसंद है, आबदा परवीन साहब का बहुत पसंद है, रेशमा का बहुत पसंद है, लेकिन उनके पीछे जो उनके अल्फाज जो हैं जिन्होंने लिखे वो आज हमें पता चला, तो बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके भी। आपने अपने जलसों की तकरीर ना इनसे ही लिखवाया करें, मिलवाया इसलिए आप। हाँ जी, हाँ जी, साधक साहब को तकरीर लिखाओ अपनियाँ, ताड़ी तकरीर जरूर हिट हो जानी। बस इस गल का ध्यान तुहानू करना पैना कि उन्होंने एक दिन च 100 तकरीर लिख देनी, तुहानू नहीं समझ आनी कि कीड़ी पढ़नी आ ते कीड़ी नहीं पढ़नी। ओए पीटीआई ए, इन्हां नू इक्को गाने दी समझ आउंदी ए, ओ केड़ा? जब आएगा इमरान पाकिस्तान बनेगा नया पाकिस्तान, ते होणगे सारे परेशान। माना के तगाफुल ना करोगे, लेकिन ओ तेरे वर्गा बंदा ना मुश्किल शेर शुरू करके ना अगो हकीम दियां दवाइयां दसन शुरू कर दे। और यह बंदा है भी कह देता, इस गोल से लेकर शकरकंद तक, बुखारा से लेकर समरकंद तक, हमें अच्छा दोस्त और अच्छा सहारा ना मिला। एहो जे बाबा महीने च ना अपने छोटे मुंडे को एक चपेड़ जरूर खांदा। माना के तगाफुल ना करोगे, लेकिन लोकां दे पैर टुरदे ने, एहो जे बाबा शेर पड़े ना इहदा मुंह टुर पैंदा। माना के तगाफुल ना करोगे, लेकिन तगाफुल के बाद क्या है जाहिल, वो भी तो आगे बताओ। माना के तगाफुल ना करोगे, लेकिन कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने से। ओ बाबा, कोई है तुम्हें शर्म है माँ बहन बेटियों के सामने इस तरह का शेर पढ़ने वाला, ये कोई तरीका था? ते नाले दूर दूर तक तेरा जुल्फ नाल कोई तल्लक है गए, आप तो गंजा है गए। उसी को मेरी मदद कर सकते हो? मैं कर सकना जी। करो। मैं एक वोट दे हथों ना हरदा सीट चाहत दी, आहा मेरा अपना नखुटा दिल जे मैनू वोट पा देंदा। आप लोगों की तलखी देख के ना तो थोड़ा सा हमें एहसास होता है कि हम लोगों के साथ आप लोगों की बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत और एक एक्सपेक्टेशन लेवल जो है ना वो टू मच है, तो अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन आप लोगों का ताबून जब तक हमारे साथ नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है कि हुकूमत खुद से अकेले कुछ कर ले। भैन मेरी, ये साड़ी पूरी दुआ वा कि तुसी कामयाब हो, पर तुहाडी पूरी कोशिश आ कि तुसी कामयाब ना हो। सानिया जी, तानू गल समझ नहीं आ रही, दरअसल पीटीआई दा मुकाबला पीटीआई नाल ही है, खान साहब पेट्रोल सस्ता कर देंदे ने ते तुहाडे ही कोई बंदे गायब कर देंदे, तुहाडे ही बंदे सब्सिडी देंदे ने ते बाद च खान साहब रोण लग पैंदे कि क्यों दित्ती, तुहाडे ही बंदे चीनी महंगी कर देंदे ने ते बाद च तुहाडी हुकूमत उन्हां दे खिलाफ इंक्वायरी खोल के बह जांदी है। अब ये पेचीदा मामलात हैं, अगर यहाँ पे बैठी तो आप लोगों की जो इंटरटेनमेंट है वो बोरिंग हो जाएगी। नहीं नहीं, हम बहुत इंटरटेन हो रहे हैं आप लोग की हुकूमत से, ऑलरेडी जब से इक्तदार में आई है पीटीआई हम तो इंटरटेन ही हो रहे हैं, यकीन करें। सादिक साहब, मुझे बताइए कौन से ऐसे शायर हैं जिनको आप पढ़ते हैं, आप कहते हैं कि भाई मैं उनको सुनना बहुत पसंद करता हूँ? मैंने किसी को पढ़ा ही नहीं, लोगों ने इन्हें पढ़ा, इन्होंने किसी ने पढ़ा, मिर्जा गालिब, इकबाल, मुझे टाइम ही नहीं मिला। स्टार में जब से मैंने ये काम करना शुरू किया तो फिर उस वक्त मैं बिजी बहुत हो गया। तो कभी किसी शायर की कोई किताब नहीं पढ़ी? नहीं नहीं, किताब मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी, इसमें कोई शक नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि बंदा चलता फिरता भी तो एक मुशाहदा होता है ना। अरे उन्होंने कहने का मतलब है उन्होंने सिर्फ चेहरे ही पढ़े ने। अच्छा, तो ये गाना भी कहीं आपने तो नहीं लिखा कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी, तुमने कभी कोई चेहरा पढ़ा भी होगा?
नहीं अफीजा कहती है मैं हैगी 22 साल दियाँ ते गाने केम सैगल दे दौर दे याद इनू ते ओ लोरी दी याद है जी फिराउन दी मां नू देंदी हुंदी हाय हाय और ये उदों दे गाने सुन रही है जदों गाने तवे ते नहीं चलते होंदे सन इधरों दो गाने सुन लैंदी सी इधरों दो ते रोटियां ला लैंदी उदों दे गाने गाउंदी जदों रिकॉर्डां ते कुत्ता बैठा हुंदा सी उदों दा उठ के मेरे कोल बह गया अच्छा सादिक साहब ने तो अपना जवाब दे दिया मुझे कि कोई इंस्पिरेशन नहीं थी जो कुछ था चलता फिरता मुशाहिदा होता है आपने अच्छा एक चीज़ बड़े मज़े की है कि जो फनकार होता है ना उसकी नज़र बहुत बारीक होती है और वो सोसाइटी के अंदर ना बहुत बारीकी से लोगों को देख रहा होता है ऑब्जर्व कर रहा होता है ऐसे ही सिचुएशन को भी और लोगों की जो ख्यालात का इजहार वो करते हैं उसको भी तो सादिक साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग जो है हमें मेरी तो आज इनसे पहली मुलाकात है कि इन्होंने वो तमाम चीज़ें मतलब तालीम हासिल किए बगैर उनको लफ्ज दिए उनको धुन दी उनको सुर दिया और इस तरह सोसाइटी में फेंका कि हर किसी के दिल पे वो छा गए क्या बात है वो सब के लिए गल शुरू हुई तो मैं समझा मेरी तारीफ करने लगा एनी मुझे ये बताइए कि आपने किनसे सीखा है और कितना टाइम सीखा है और कौन है आपके उस्ताद एनी मेरा ना बताना प्लीज जिंदगी जितनी होती है अबू का ना बताना नहीं जहाँ रिश्ते की बात करनी होती बाप का नाम तो ना बुनाइए ऐसे लोगों का हाल दिखाते हैं जो चाहते हैं कि एसओपीस के तहत उनको भी रोजगार कमाने का मौका दिया जाए टेक अ लुक उड़ दिया जमटे आराया ओ भीगे वे हंसा दीदार ते फुल्ला दी बारिश करो तो मैं सदके वारी जावा मेरी बाजी जिथे नचदी है मजाल फसला उपजाण परसों पता ही इथे अग लग गई जिथे मैं नची हां क्या ये किथों लिता जे अग ला चूर ये कौन है बाबा दोस्त की ये अंतर खाली बस दा ड्राइवर ही ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਬਾਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਲੱਗਨੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਟੀ ਰਿਜ਼ਕ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇਈ ਅੰਤਰੀ ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੁੰਨੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਮਾ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅੰਤਰ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਡੀਆਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਛਿਲਦਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਏਡੀ ਕਪੋਟੇ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਅੰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਫਤਤਾਹ ਤੂੰ ਨੱਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕੇ ਚ ਕਸੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਅੰਮੀ ਦਾ ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਲਾ ਮੈਂ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਐ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲ ਦਾ ਫਾਰਗ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਾੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨਾ ਮਿਓ ਹਸਪੀਟਲ 5 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕੀਤੀ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੌਕਰੀ ਫੇਰ ਅੰਮੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮਰਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਓਏ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸ਼ੁਦਾ ਖੁਸਰੇ ਹੋ ਹਾਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਸ਼ਰਕਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਈ ਤੈਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਮਰਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘੁੰਮ ਤੱਕ ਮਤਾਲਬਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਹਾਂ ਕੇਐਸਓਪੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੁੰਨੇ ਖੋਲਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੰਨੇ ਖੋਲੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋ ਡਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਤੇਰਾ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਕੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਪੂਸ਼ਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਮਾ ਘਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਐਸੀ ਅੰਮੀ ਹੋਈ ਅੰਮੀ ਅਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਤੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਘੰਟਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਚਾਚਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਡਾਂਸ ਵਿਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੱਥੋਂ 1000 ਰੁਪਿਆ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੱਚਦੀ ਨਾ 200 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੰਮੀ ਸਾਡੀ ਹਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਨੱਚੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਮਰੂਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਨਾ ਜੰਮੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਦੇਖ
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਰੋਜ਼ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਫਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਹੈ ਨਾ। ਲੈ ਅੰਮੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾਤ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਔਂਤਰਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਲੈ ਗਿਆ ਚੁੱਕੇ ਫੇਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੂਬੂ। ਅੰਮੀ ਸਾਡੀ ਕੋਕ ਆਫ ਗਈ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਜਰਾ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਕਾਂਜਰ ਦੀ ਪਾਵਾ ਜਨਕਾ ਐਨਾ ਤੋਂ ਟੁੱਲਦਾ ਘੁਮਾ ਅਗਾਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਵੇਗਾ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ इनमें से कौन सा वजीर है जिसे आप पंजाब काबीना में बिल्कुल नहीं देखना चाहती? आप बर्दाश्त ही नहीं करती उसको पंजाब काबीना में। ठीक है, ऑप्शंस हैं उस्मान बुज़दार साहब, फ़ैज़ुल हसन चौहान साहब या फिर यासिर हुमायूं अख्तर। तीनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार एज़ चीफ मिनिस्टर, फ़ैज़ुल हसन चौहान एज़ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और हमारे जो यासिर साहब हैं वो भी, ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। उस्मान बुज़दार साहब, आपके लिए सानिया जी कह रही हैं कि आप बहुत अच्छे CM हैं, मगर आपके जो बाकी के वज़ीर हैं वो भी आप जैसे ही काम करें कोई कम नहीं है आपके मुकाबले में। अगर आपकी जगह वो भी लग जाए ना तो वो भी यही वाला काम कर सकते हैं, मगर आप तो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, पता बहुत अच्छा काम करें। आई डोंट नो ये बाकी वजीरों को आपके साथ क्यों यू नो स्टैंडर्ड ला के खड़ा कर दिया है एक ही जगह, हालांकि वो एक एक मिनिस्ट्री देख रहे हैं पंजाब की और आप पूरे पंजाब को देख रहे हैं, उसके बावजूद इतनी मेहनत से आप पूरे पंजाब की मिनिस्ट्री को ख़राब मतलब ठीक कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके बारे में ये बात कर रही है। सानिया बेटा, कभी फफे फुटनी सुनी नाम? आपको पता है आप किसी की तरफ अगर ऐसे उंगली उठाएंगी ना तो बाकी की तीन आपके ऊपर अपना इशारा कर रही हैं। आ रही है। सादिक साहब, आप मुझे ये बताइए कि गाने तो आजकल बंद नहीं रहे, तो वो गुजारा कैसे हो रहा है? माशाल्लाह बहुत पहले नालों अच्छा हो रहा है। सिर्फ लिख रहे हैं मगर वो बिक भी रहे हैं? लिख रहे हैं, बिक रहे हैं या फिर नहीं सिर्फ लिख रहे हैं? देखो, जहाँ दुनिया में किसी ने अच्छा गाना गाना होता है, किसी ने म्यारी गाना गाना होता है, तो मैंने पिछले दिनों एक फिल्म के गाने लिखे हैं और माशाल्लाह इतने पैसे मैंने लिए हैं कि मैं 2 साल भी काम ना करूँ तो मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब सादिक साहब जैसे लोग कहते हैं कि लॉकडाउन लगा दो, मैं आवाम घर में नहीं बैठेगी जिनके पास अपनी इनकम है। 25 साल से टैक्स दे रहा हूँ, पिछले 25 साल। वेरी गुड। जब मैं 100 रुपया गाने का भी लेता रहा, मुझे उसी रेट पे देना है अपना गाना। हाँ, मैं उतनी पुरानी हूँ। हाँ, शेर याद आ गया कि मैं लोड़ा थोड़ा फंडिया कर आया अज नीलाम रह रोंदे ते कुरलाउंदे मेरे पुत्रां वर्गे गीत। जदों लोड़ा पहनना तो फिर वो रेट नहीं वेख्या जाता। ये सारे गाने जिन्हें मेरे हिट ने तुहानूं मैं दसांगा। नुसरत फतेह अली खान, जे तू रब नूं मनाउणा पहले यार नूं मना, तस्बी दे इक दाने दे तू यार दा विरद पकाउंदा रहो, मैनू सोचा दियां दे गया सुगातां सुख माही नाल लै गया, अखियां नूं चैन ना आवे सजणा घर आ जा, किहड़े घर जावां इहो खड़ा मैं विचारदा, इक घर रब दा दूजा घर यार दा, हंजू अखियां दे विहड़े विच पाउंदे ने धमालां रोग, सोच के मुहब्बतां दे लाईए फिर रोणा चंगी गल नहीं। इहनां सारिआं और अताउल्ला ईसा खेलवी साहब ने, इह मेरे इब्तदाई दौर दे आर्टिस्ट ने जिन्हां ने मेरे नां नूं शोहरत दीआं बुलंदियां ते पहुंचा दित्ता। माशाल्लाह माशाल्लाह। ते उन्होंने सारे गाण का मुआवजा मैं 100 रुपया। अरे आप बस मुझे गाने लिख के देना, आपको इतनी इज्जत दूंगी जब आप दूरों आ रहे होंगे मैं खड़ी हूँ। लाख लाख रुपया आपने देना है मुझे, मैं गाने ऐसे लिख के दूंगा ना आपको कि आप अफिया को लाख रुपया हो घर फंक्शन रख ली फंक्शन का ना होंगे फंक्शन लख बार बैनर बनाउंदी अपनी तस्वीर बनाउंदी फिर हाथ दा इंज हुंदा। हां, तस्वीर तो याद आ गया, कहिंदा सजणा दी तस्वीर बना के रोंदे रहे। आए हाय, सिर्फ तुहाडे कल्लियां वास्ते क्यों? इसके अंदर कौन सी अंग्रेजों की 5 बेवाएं मरी हुई हैं? इहदे अंदर इहनां दे अंदर जनाब गालिब भी रहिंदा है, उस्ताद दामन भी रहिंदा है, वारिस शाह भी रहिंदा है, ते किते किते बुल्ले शाह भी बैठा। आए हाय,
ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ, ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਝੰਗ ਤੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਇੱਕ ਹੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ। ਔਰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਯਾਰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਓਏ ਹੋਏ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ, ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੈਰ ਦੀ ਆਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਬਣਿਆ, ਭੁੱਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਤੇਰਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਸਤੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਦੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਹਯਾਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਯਾਰ ਕਲੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਜੋ ਆਖੀ ਸੋ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਮਸ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੈ, ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਾਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਰਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀਆ ਬੇਟਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਜਲਾ ਲਓ। अच्छा जी, यानी आप बताइए कौन से ऐसे मेल सिंगर हैं जिनके साथ आप डुएट करना चाहेंगी, आपका दिल है कि आप उनके साथ गाना गाएं? राहत अली खान साहब हैं, अगर उनके साथ मौका मिल जाए तो क्या ही बात हो जाए। अच्छा, और कौन से ऐसे सिंगर हैं जिनके साथ आप गाना गाना ही नहीं चाहती हैं, आप कहती हैं कि अगर ये मुझे ऑफ़र भी हुई तो फिर दफ़ा दूर दुर्मिया मैं नहीं गाऊंगी। अभी जो आहिस्ता आहिस्ता जो हाइप क्रिएट हो रही है ना, वो यहीं पर हो जाएगी, तो प्लीज़। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, सपोज आपको एक गाना ऑफ़र होता है, आपने उनके साथ प्लेबैक सिंगिंग करनी है, और वो सिंगर जो है या तो आतिफ असलम होंगे या फिर अली ज़फ़र होंगे या फिर आलमगीर साहब होंगे, तो इन तीनों में से आप किसके साथ गाना गाना चाहेंगी? आलमगीर साहब के साथ। अरे अरे यार, खा गई है। आलमगीर साहब की तबीयत थोड़ी ख़राब है, हमारी बहुत सारी दुआएं कि उनको अल्लाह ताला जल्द सेहतयाब करे। हमारे पूरे मुल्क का सरमाया है और उनकी वजह से म्यूजिक ने बहुत बूस्ट किया पूरे पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनकी आई भी तुम्हें आ जाए। ਠੇ ਆਏ ਹੋ? ਆਹੋ ਬਾਬਾ, ਕੱਠੇ ਹੀ ਪਿਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੇ ਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਕਪੜੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਕਪੜੇ ਆਣੀਆਂ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਨੀਆ ਜੀ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਇਰਤੁਗਲ ਨਿਆਜ਼ੀ। ਸਾਨੀਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਗੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਨਹੀਂ। ਓ ਸਾਨੀਆ, ਇਹ ਡਰੈਸ ਮੈਨੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ। ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਪਹਿਨਾ? ਔਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿਆ ਹੈ ਤੋ ਪਹਿਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕੋ ਵਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਸਾਨੀਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਕੋ ਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਜਹਾਂ ਸਲਤਨਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਗਈ ਥੀ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ 100-100 ਦਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਛਦਰੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸੁਰੱਈਆ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਛਦਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੀਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੇ ਤੁਮ ਜੈਸੇ ਕਮਿਟਡ ਵਰਕਰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਲਗਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਹਾਨੀਆ ਬੇਟਾ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾ ਲੀਡਰ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੀਆ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਕੀ ਵਰਦੀ ਮੈਨੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀ। ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਪਹਿਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੀਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਕੋ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਜੋ ਤਾਤਾਰੀਓ ਸੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੋ ਢਾੜੀਓ ਸੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕੇ ਜਵਾਨੋਂ ਮੇਂ ਕਾਬੀ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਕੋ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਕਿਤੇ ਬਣਨਗੇ ਨਾ। ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਸਾਨੀਆ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਾਬਾ ਨੌਂ ਕੋਲੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਫੈਸਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਠੀਆਂ ਜੁਕਤਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਤਾਲੂ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਕਬਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਸਾਨੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਨੰਬਰ 1 ਕੌਮ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਭੁੱਖੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ, 2 ਵਕਤ ਕੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ,
तुम्हें चाहिए पेड़ पे पत्थर बांध लो और मेरे पीछे चलो। लो जी उट्टुकल नियाजी दी जिन्नी इज्जत है सानू पता लग गया। वी वारी किया सानिया सानिया, उन्होंने एक बारी जवाब नहीं दिता। और देखो अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें सुपर पावर बनाऊंगा। एहो जिहा बंदा रजिया सुल्ताना दा नावल पढ़ लवे ना तो सुबह बुरखा पा के फिर इंडिया हुंदा। या एहो जी कुड़ी किसे विआह ते मेहंदी लैके जाए ना, हां जी लाड़े दे कोल रश होवे फिर ते लागे ही लेला हुंदा उहनूं ला के निकल जांदी। फिज़ा जी हां जी की है एहो जी घर दे राशन दे पैसियां दा वी जुआ खेल लैंदी। मैं फिज़ा दे घर गया परेशान फिर रही हूं। मैं की होया? कहंदी आ पहला साल है मेरी सैर मिस हो गई है, मैं कागान नारान नहीं जा सकी कोरोना दी वजह नाल। मैं अगे हर साल जाते सो मिस नहीं सी होंगी, कहती नहीं अगर पैसों की वजह मिस हो जाती सी। दसो कि मौत का कोई बहाना बनता है? आहो ते तुहाडे जान का क्यों नहीं बन दे? चला नाना बू चंगे सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं अजीब गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें? कैदियों को मोबाइल फोन पहुंचाने वाली तरबियत याफ्ता बिल्ली गिरफ्तार। चाचे ने भी अपनी बिल्ली को बड़े बड़े कम लाए थे, दूध लोगों के घर पी के आ जाती थी तो बच्चे ये कर दें। चाचा एडा बदतमीज आदमी है, इन्हें उस बिल्ली को करोड़ा रुपए कमाए, उन्होंने लोगों के मोबाइल चुकने सिखा दिते सन। पूरा मल्ला उस बिल्ली नु मारना चाहता सी कि चूहे नहीं फड़दी तो सिर्फ मोबाइल ही फड़दी है। चाचे ने भी उस बिल्ली को बड़ा बड़ा कम लिया, जो तो उन्हें भुख लगती सी उन्होंने कहना सी नाल दे घर जाके अपने हिस्से का दुध पिया ते मेरे वास्ते थोड़ा जा लिया, मैं आपे विच पत्ती पा के चाह बना ला। एडा बदतमीज है, इन्हें बिल्ली ने सिखाया सी कि लोगों की हलीम च डिग जाया कर ते घर आया कर फिर मैं तेरे नाल पूंज के रोटी खावांगा। आगे चलिए। गर्लफ्रेंड ढूंढने की खातिर चीनी लड़के ने गर्ल्स यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। ए बाबे साडे ने भी सेम हरकत की, बस छोटी जी गल तो फड़िया गया, मूँह तो नकाब किया सी ते टेंड कवर करनी भुल गया। कुड़िया ने फिर दी टेंड ते चपेड़ा मारिया। कुड़िया कहने केड़ी औरत है जिन्हें मूँह ते नकाब किया ते सिरों गंजी है? चार कुड़िया बह के गल्लां करन दीआं सन, भैण अज बर्गर कौन लियाएगा, अगो कहंदा मैनू पैसे दियो मैं लियाना। बाबे ने फड़िया नहीं जाना सी, निक्की जी गल तो फड़िया गया। ओ किड़ी उत्ते जनाना सूट पाया ते थले पशौरी चप्पल पाई। फिर ओथे कुड़िया ने फड़ के मारे लितर। उन्होंने क्या मामा हाथ तेरे जनाना ने, पैर तेरे न्यू खान दे ड्राइवरा वर्गे ने। आगे बढ़िए। मैसेज में 50 रुपए मांगने वाली सभा का फ्रॉड बर्तानिया पहुंच गया। ए सभा तानू पता है कौन सी? कौन? साडी चाची। और कौन? चाची साडी इन्नी तेज है 50,000 रुपए का बैलेंस मंगा के ना 50 लाख का अपना बैंक बैलेंस बना लिया। चाची साडी नु ते मंगन दा ऐसा ऐसा तरीका जो दुनिया के किसी बंदे दे ज़हन च नहीं आ सकता। ओ मैनू रोज मैसेज कर दिंदी सी मेरी मदद करें मेरी अम्मी हस्पताल है। मैं जाके वेख्या तो उ नर्स लगी। चाची ने एक दिन मैनू भी लुटिया है, मैनू मेरा भरा बन के मैसेज कर रही थी। कहंदी कहंदी मैं सनी हूँ, मैंने मेकअप खरीदा मेरी मदद करो। और क्या खबर है? भारत में 39 बीवियों और 49 बच्चों पर मुश्तमिल दुनिया का सबसे बड़ा खानदान। ओए खानदान ते कुछ भी नहीं चाचे दे मुकाबले ते। चाचे दे 365 बच्चे ते 124 बीवियां ने। 365 तो दिन होते हैं। ओ नहीं बच्चे इन्हें अपने बच्चियां दे नाम ऐसे रखे, असलम तनवीर अकरम। इन्हें मुंडिया दे नाम रखे ने मंगल बुध हफ्ता ते कुड़ियां दे नाम रखे ने इतवार सोमवार जुमेरात। चाचे दे घर नू बच्चे इंज पे ने जिवें कुत्ते नू चिचड़ पैंदे ने। चाचे दे घर नू ते बच्चे इंज पे ने जिवें मज नू जुआ पैंदियां ने। कल एक बच्चा चाचे नू आके तारीफ करा रहा सी, मैं ताडी 113वीं बीवी विचों 117वां बच्चा वां, तुसी मैनू कदी प्यार नहीं कीता। चाचे दे घर ते इन्ना बच्चा हैगा जिन्ना अधवाणियां दी टाल ते अधवाणे नहीं पए हुंदे।